नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोरोना वायरस ने चीन और अमेरिका के बीच डाली बड़ी दरार, ट्रेड डील खत्म करने की चेतावनी। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चीन में बड़ी कड़वाहट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ट्रेड डील खत्म करने की चेतावनी। उन्होंने कहा कि चीन के लिए उनसे ज्यादा सख्त कोई नहीं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन प्रावधानों का पालन नहीं करता तो वो उनके साथ हुई ट्रेड डील को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा, चीन के प्रति उनसे ज्यादा सख्त और कोई नहीं हो सकता। गौरतलब है कि चीन से उत्पन्न कोरोना वायरस महामारी को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी बयानबाजी चल रही है। अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान इस बारे में संदेह जता रहा है कि कहीं ये वायरस चीन के किसी लैब से तो नहीं निकला है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इसे चीनी वायरस कह चुके हैं। अमेरिका को हुआ कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान। चीन में कोरोना वायरस से 82,788 लोग संक्रमित हुए थे और वहाँ 4,632 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अमेरिका में इससे 8,24,600 लोग संक्रमित हुए हैं और 45,290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यानी इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में ही है। इस साल जनवरी में पहले चरण के ट्रेड डील पर दस्तखत हुए थे। दोनों देश पिछले करीब 2 साल से जारी ट्रेड वॉर की कड़वाहट को भुलाकर इस समझौते के लिए तैयार हुए थे। 2 साल तक दोनों देशों में जारी ट्रेड वॉर से दुनिया भर के शेयर बाजार और इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस समझौते में ये कहा गया था कि चीन 200 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। इस पर चीन आगे भी बढ़ चुका है, लेकिन यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन इसमें एक नई शर्त जोड़ सकता है कि प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक परिस्थितियों वाले हालात में नए सिरे से वार्ता की जाएगी। ट्रंप ने खुद को बताया बहुत सख्त। पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम इस समझौते को रद्द कर देंगे और वो करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा। उन्होंने चेतावनी दी, चीन के प्रति मुझसे ज्यादा सख्त कोई नहीं हो सकता। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और चीन के बीच की ये तकरार कहां तक जाती है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।